इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगत का सब काम करते भगवान ही हैं। भगवान के द्वारा किए गए बनाए गए अपने काम को हम अपना पौरुष मानते हैं, इसलिए करते करते भी भगवान थोड़ा सा दबा देते हैं। जासो ये भरोसा रहे कि वह करी हैं, जब वो करी हैं तबे होई। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। आप भगत हैं, हम भगत हैं, मान लो, ये मान लो बस, मेरा राम की सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब अब इतना मान लेने पर ही हम शरणागत भाव में अवस्थित हो जाते हैं। मैंने कल एक बात कही थी, पाठ मत करिए, समझिए और उसको पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर समझिए। पब्लिक स्कूल की पढ़ाई मत करिए, मिडिल स्कूल की पढ़ाई करिए। जबले ना याद हुई तबले भोजन न तारा मिली। पब्लिक स्कूल में आजकल कॉन्वेंट में साहब, सीबीएसई बोर्ड में याद करने का काम ही नहीं है। याद करो, परीक्षा दो, काम खत्म। पहले पूरा कंठस्थ करना पड़ता था, एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय, एक एक प्रश्नावली कंठस्थ करना पड़ता था। कंठस्थ का प्रोग्राम ही समाप्त हो गया। तो आप देखिए बच्चे वही हमारे पर आ गया है। केवल पढ़ने से मंगल नहीं होगा, समझ कम भई है। पहले समझ बढ़ती थी, अब समझ घट गई है। हमारा बोध, हमारी जानकारी सीमित हो गई है। इसमें इस पूरे ग्रंथ में नाना पुराण निगम आगम समाहित है। एक एक पंक्ति में प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने बरेली महाराजा के द्वारा एक ग्रंथ लिखवाया गया, उसको प्राप्त किया है सरकार ने, 20,000 में किसी ने उनको दिया है। 132 सदग्रंथों को समेट कर श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है। 132 सदग्रंथों का यह समुच्चय, यह संग्रह है। कुछ पढ़ ही के ना बा, जैसे आजकल रियल जूस आ गई बा डॉक्टर साहब, दुकानी का सेब संतरा का जूस पियला, अनानास का जूस पियला से बढ़िया कावा, एकदम हाइजेनिक रियल जूस पियो। लोग कहला डॉक्टर साहब निकाल के पी लें। अरे निकाला मत, वो डिब्बा वाला मंगा के पिया, एकदम शुद्ध जूस है ये, जूस है हो। निगम कल्प तरोर गलित फलम, रस है, मानस रस है। हमारे पूज्यपाद वेणी कवि जी ने लिखा है, हमारे व्यास जी, वेदमति सोधि 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 के पुराण सब, संते ओ वसंतन को भेद को बतावो तो, कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचारी जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलाओ तो। बेनी कवि कहे मानो मानो प्रतीत यह, पाहन ही ये में कौन प्रेम उपजाव तो, भारी भव सागर
उतार तो कवन पार भारी भव सागर, उतार तो कवन पार जो पय है रामायण तुलसी नगावतो, जो पय है रामायण तुलसी नगावतो। सरलतम और कठिनतम एक दोहा देखिए, राका पति षोडश वही तारा गण समुदाय, सकल विपिन दवलाय बिनु रवि रातिन जा। पीएचडी है चंद्रमा, अपनी 16 कलाओं के साथ जितने तारे उसके घर में पॉकेट में अलमारी में रखे हैं सबके साथ उग जाए, धरती पर जितने पहाड़ हैं सब पहाड़ों के वृक्षों में आग जला दो, उजाला हो जाएगा। लेकिन जब तक सूर्य भगवान नहीं आएंगे तब तक रात नहीं जाएगी, रातें बनी रहेगी। उसी प्रकार दुनिया का कितनों खटकर्म पाल लो, जब तक राम जी का भजन नहीं करोगे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, ये सब चलते रहेगा। भक्ति राम कहने से थर जाएगा। बैठ कर नहीं, चलते चलते करो, सोते सोते कर लो। मल को उलझाइए मत, मन उलझेगा कुछ नहीं सुलझेगा। भगवान निर्मल मन में रहते हैं, सरकार के श्रीमुख वचन हैं, निर्मल जिसका मन है वो हमको पाया ही समझे, पाना नहीं पाया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो पाया ही है। भालू कभी पा गए, हम तो मानव हैं, बड़े भाग से मिला। मानव शरीर देव दुर्लभ शरीर है, मैंने आगे के पीछे के 8 दिनों में इनको स्मरण किया कि मानव शरीर देव दुर्लभ है साहब, दुर्लभम मानुषम देहे, नर समान नहीं कवनिव देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेली, ऐसा शरीर भगवान ने हमको दिया है। विभीषण जी के सुझाव देने पर भगवान समुद्र से मार्ग मांगे, समुद्र ने उपाय बताया, सेतु बंधन हुआ, समुद्र को भगवान ने विदा किया। फिर कथा की महिमा, इस कांड की महिमा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गा, सादर सुनहित तर ही भव सिंधु बिना जले जा। अब विचार करिए, सुंदर कांड पाठ का फल नहीं है, सुनने का फल है। इसमें लिखा है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गा, रघुनाथ जी का गुणगान सब सुमंगल देने वाला है, लेकिन यह कांड सादर सुनहि सिंधु बिना जले जा। इस सुंदर कांड को जो गाए और सुने ये अर्थ कर लिया जाए। क्या कहा? गाए, पढ़े नहीं कहा। रघुनायक गुण गा, परसों चर्चा की थी कि भगवान अपने गुणगान से अधिक अपने भगत के गुण के गाने से प्रसन्न हो जाते। शिव बाबा ने यहां महिमा बताई है इस कांड में, यह संवाद जास और आवा रघुपति चरण भगत सोई पावा। सारे सुंदर मंगलों को देने वाला यह कांड है।
आदर पूर्वक जो सुंदरकांड सुन भी लेगा उसका मंगल हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। आगे की कथा लंका कांड में प्रवेश करती है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्रीमद् वाल्मीकि जी और कोदव राम जी के प्रति अनुसार इस कांड को युद्ध कांड कहते। लंका में देर तक नहीं रहना, देर तक अयोध्या और मिथिला में रहना। देखिए भुसुंडी बाबा भी बहुत देर तक नहीं रहते। से तो बांधी कपिसेन जिम उतरी, शांति दूत बनकर गयबु बसी ठेवे, निश्चरन कर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर रावण बध मंदोदरी शोक, राज विभीषण देव अशोक, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्ही स्तुति जो, पुण्य पुष्पक चढ़ि कपिन समेत अवध चले प्रभु कृपा। भगवान ने सेत पर पुल बनाकर अपने ईश्वर इष्टदेव का मंदिर बनाया। रामस्य ईश्वर नाम रखा, राम जी के ईश्वर रामेश्वर। एक बार श्रद्धा और भाव पूर्वक बोलिए, श्री रामेश्वर भगवान की जय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।